आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि सभी गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं वो 10 गाड़ियाँ मैं आपको बताऊंगा और अगस्त के महीने में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। दसवें नंबर पर बाजी मारी है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा ने। ब्रेजा एक 5-सीटर SUV कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 7,109 यूनिट बिकी है। ये कार सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें आपको 1248 cc का डीजल इंजन मिलता है जो कि 89 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर डीजल में 24 kmpl का माइलेज निकाल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन में आती है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7.67 लाख से लेके 10.64 लाख तक। मारुति सुजुकी अल्टिगा। अल्टिगा एक 7-सीटर MUV कार है। ये इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 8,391 यूनिट बिकी है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। पहला 1462 cc का पेट्रोल इंजन जो कि 103 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर पेट्रोल में 19 किलोमीटर तक चल देती है। दूसरा 1248 cc का डीजल इंजन जो कि 88.5 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर डीजल में 26 किलोमीटर तक चल देती है। तीसरा इंजन 1498 cc का डीजल इंजन जो कि 94 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर डीजल में 24 किलोमीटर तक चल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन में आती है। इस कार की एक शोरूम कीमत है 7.54 लाख से लेकर 11.2 लाख तक। आठवें नंबर पर बाजी मारी है मारुति सुजुकी ईको ने। ईको एक 5- और 7-सीटर मिनीवैन कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 8,658 यूनिट बिकी है। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। 1196 cc का इंजन है जो कि 73 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर पेट्रोल में 16 kmpl तक चल देती है। ये कार आपको CNG के ऑप्शन में भी मिलती है जो कि 73 bhp को जनरेट करती है और 1 किलोग्राम CNG में 20 से 22 किलोमीटर तक चल देती है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करें तो वो है 3.52 लाख से लेकर 4.66 लाख तक। सातवें नंबर पर आइए हुंडई कंपनी की वेन्यू। वेन्यू एक 5-सीटर SUV कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 9,342 यूनिट बिकी है। ये कार पेट्रोल डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। इसमें आपको 2 पेट्रोल के इंजन और 1 डीजल का इंजन मिलता है। पहला 998 cc का पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp को जनरेट करता है। ये इंजन एक पावर बूस्टर इंजन है यानी कि पेट्रोल में टर्बो है और गाड़ी का माइलेज है 19 kmpl का। दूसरा 1197 cc का पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp को जनरेट करता है। ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर तक चल देती है। तीसरा 1396 cc का डीजल इंजन मिलता है जो कि 89 bhp को जनरेट करता है। ये कार 1 लीटर डीजल में 24 किलोमीटर तक चल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 6.5 लाख से लेकर 11.1 लाख तक। हुंडई ग्रैंड i10 छठे नंबर पर आई है। ग्रैंड i10 एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 9,342 यूनिट बिकी है। ये कार पेट्रोल डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। पहला 1197 cc का पेट्रोल इंजन जिसकी पावर है 81 bhp की और ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 19 किलोमीटर तक चल देती है। दूसरा 1186 cc का डीजल इंजन जो कि 74 bhp और 190 Nm टॉर्क को जनरेट करता है। ये कार 1 लीटर डीजल में 25 किलोमीटर तक चल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। गाड़ी के एक शोरूम कीमत की बात करें तो वो है 4.97 लाख से लेकर 7.59 लाख तक। मारुति सुजुकी एल्टो 5वें नंबर पर आई है। जो कि नंबर 1 पर रहती थी वो महीने के हिसाब से नंबर 5 पर आई है। मारुति सुजुकी एल्टो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 10,123 यूनिट बिकी है। ये कार पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में आती है। इसमें आपको 796 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 47.3 bhp की और जो 1 लीटर पेट्रोल में 24 किलोमीटर तक चल देती है। इसके साथ साथ इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है।
गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करें तो वह 2.93 लाख से लेकर 4.14 लाख तक। मारुति सुजुकी बलिनो चौथे नंबर पर आई है। बलिनो एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 11,067 यूनिट बिकी है। ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। पहला 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि 83 bhp को जनरेट करता है। ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 21 किलोमीटर तक चल देती है। दूसरा वही स्विफ्ट वाला इंजन 1248 सीसी का इंजन डीजल में जो कि 74 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर डीजल में 27 किलोमीटर तक चल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन में आती है। गाड़ी के एक शोरूम कीमत की बात करें तो वो है 5.58 लाख से लेके 8.9 लाख तक। मारुति सुजुकी वैगनार तीसरे नंबर पर आई है। वैगनार एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 11,402 यूनिट बिकी है। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में आई है पर इसमें आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। पहला 998 सीसी का पेट्रोल इंजन जिसकी पावर है 67 bhp की और इसका माइलेज है 23 kmpl का। दूसरा 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन जिसकी पावर है 81.8 bhp की और माइलेज है 22 kmpl का। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन में आती है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करें तो वो है 4.34 लाख से लेकर 5.91 लाख तक। मारुति सुजुकी स्विफ्ट दूसरे नंबर पर आई है। स्विफ्ट एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 12,444 यूनिट बिकी है। ये कार पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन में आती है। पहला 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि 81.8 bhp को जनरेट करता है। ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 22 किलोमीटर तक चल देती है। दूसरा 1248 सीसी का डीजल इंजन जो कि 74 bhp को जनरेट करता है और ये कार 1 लीटर डीजल में 28 किलोमीटर तक चल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन में आती है। गाड़ी के एक शोरूम कीमत की बात करें तो वो है 5.14 लाख से लेके 8.89 लाख तक की। मारुति सुजुकी डिजायर पहले नंबर पर आई है। डिजायर एक 5 सीटर सिडान कार है। इस गाड़ी की अगस्त 2019 में 13,274 यूनिट बिकी है जो कि बहुत बड़ी बात है। ये कार पेट्रोल डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। पहला 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि 81.8 bhp को जनरेट करता है। ये कार 1 लीटर पेट्रोल में 22 किलोमीटर तक चल देती है। दूसरा 1242 सीसी का डीजल इंजन जो कि 74 bhp को जनरेट करता है और 1 लीटर डीजल में 28 किलोमीटर तक चल देती है। ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों इंजन के ऑप्शन में आती है। गाड़ी के एक शोरूम कीमत की बात करें तो वो है 5.82 लाख से लेकर 9.57 लाख तक की। तो ये हैं 10 वो गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं अगस्त के महीने में। आप हमें बताइए कि आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है और अक्टूबर में हम आपको बताएंगे कि सितंबर में कौन सी सबसे ज़्यादा बिकी है। तो जब आप देखना कि सितंबर में कौन सी बिकी है, अगस्त में कौन सी बिकी है।